नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति शर्मा, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज हम लोगों के बीच में पहुंचे हैं वो टॉपिक लेके, बाबा राम रहीम जी व डेरा सच्चा सौदा के बारे में। इनसे जान रहे हैं कि इनके क्या विचार हैं बाबा राम रहीम जी व डेरा सच्चा सौदा के लेकर। मैम आपका नाम क्या है? हरदीप कौर जी, जो पिछले समय में बाबा राम रहीम जी व डेरा सच्चा सौदा के बारे में दिखाया गया था मीडिया में, उसके बारे में आपका क्या विचार है? वो सच था कि झूठ? इनका कहना है कि बिल्कुल झूठ था जो बाबा राम रहीम जी के बारे में दिखाया गया था। जब से वो समाज में नहीं है, क्या अंतर आया समाज में? कुछ समाज में कुछ फर्क आया है पहले से, जो पहले वो बुराई छुड़ाते थे? आपको क्या लगता है? बदलाव होता है पिता जी जान तो बाद, बहुत ही ज्यादा। जड़ा काम मानता पहले देखो हो रहे नहीं, पर जड़ा काम पहला होने चाहिए, जड़ी रफ्तार तेजी ना सी, भलाई के काम होने सी, होर भी ज्यादा होने सी, वो थोड़े कट गए। कि साफ साफ ये लोग बता रहे हैं कि अगर बाबा राम रहीम जी होते समाज में, तो समाज के भलाई के कार्य जो चल रहे थे उसकी गति कुछ और होती, बहुत स्पीड से और काम होते। लेकिन अब वो नहीं है, तो जो मानवता की भलाई के कार्य की जो स्पीड थी वो एक रुक गई है, उसमें बहुत भारी नुकसान समाज को हो रहा है। जैसे कि उन्होंने समाज के भलाई के कार्य चलाए हुए थे, वो वेश्यावृत्ति को रोक रहे थे। सबसे बड़ी बात जो शायद हमने कहीं नहीं सुनी ना ही देखी है कि वेश्यावृत्ति को कोई रोक रहा है। वेश्यावृत्ति को वो रोकते थे और गरीब भ्रूण हत्या को रोकते थे, नशा छुड़वाते थे और बेटियों को अबला नहीं सबला नारी बनाते थे। इस तरह से उन्होंने बेटियों के लिए बहुत सारे कार्य किए हुए थे, जीव जंतुओं के लिए बहुत सारे कार्य किए हुए थे, इंसानियत के लिए उन्होंने 133 मानवता भलाई के कार्य किए हुए थे। इसी कार्य की जो गति है, अब बाबा राम रहीम जी समाज में नहीं है तो वो थोड़ी सी कम होती नजर आ रही है। ये लोगों के विचार भी हम आपको दिखा रहे हैं, डायरेक्ट लोगों से बात कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। क्या आप भी बाबा राम रहीम जी व डेरा सच्चा सौदा में जाते रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल जाने हैं। कितने समय से जा रहे हो? सन कट कट 25 साल हो गए जाते हैं। आप भी जा रहे हैं? 20-25 सालों से डेरा सच्चा सौदा में जाते रहे हो। इतने समय में आपने कुछ ऐसा माहौल देखा जो मीडिया ने दिखाया वहाँ पे आसपास, कभी आपने कुछ गलत होते हुए देखा? नहीं जी कुछ नहीं गलत, बिल्कुल सत्संग होता है, मानव भलाई के काम होते हैं। और समाज के लिए क्या किया है बाबा राम रहीम जी ने आपके अकॉर्डिंग? पिताजी ने मानव भलाई के कितने बहुत ही कम 133 मानव भलाई के काम चलाए है। पिताजी ने खून दान करना, गुर्दा दान करना, मरण तो बाद अखा दान करनिया, और पौधे लगाने, बैंक, फूड बैंक, ब्लड बैंक, टॉय बैंक बच्चों वास्ते, बहुत कुछ, बहुत मानव भलाई भी काम पिता जी। इनका कहना है कि बाबा राम रहीम जी ने मानवता के लिए बहुत काम किए हैं और ये लोग वहाँ जाते रहे हैं। जो मीडिया ने दिखाया वहाँ ऐसा तो कुछ है ही नहीं, लेकिन जो मानवता के काम है वो मीडिया ने नहीं दिखाए। ये उन लोगों की पुकार है जो वहाँ पे काफ़ी लंबे समय से जा रहे हैं। उन्होंने नेचर बस इन्ना एक प्यो, जिवें अपने बच्चों को संभाल करता, देखभाल गाइड करता है, उस तरह करते हैं। तो ये थे लोगों के विचार जो आपने सुने और देखे। और भी देखते रहिए वीडियो, जुड़े रहिए द फैक्ट टेक के साथ, देखते रहिए लोगों की सच्ची बात और सच का साथ देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपके क्या विचार हैं हमारी वीडियो के लिए, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। थैंक यू।